फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है चैलेंज टूर्नामेंट. इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट देयर इज 1-1 कंटेस्ट और देयर आर 2 प्लेयर ऑन ईच साइड. 1 प्लेयर चैलेंज द अदर एंड द अदर प्लेयर एक्सेप्ट द चैलेंज. इसमें क्या होता है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को चैलेंज करता है और वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ए बी सी डी ई एफ, सी चैलेंज करेगा बी को, तो यहां लिखना है आपको टू चैलेंज सी टू बी. फिर आगे पोजीशन को रिप्लेस कर देते हैं ए सी बी डी ई एफ टू विन सी. सी की पोजीशन रिप्लेस हो गई ऊपर. और कभी नीचे वाला, ऊपर वाला कभी नीचे वाले को चैलेंज नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पोजीशन टॉप पर है. सपोज 1% हार गया तो पोजीशन रिप्लेस हो जाएगी. जैसे लाइक बी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा. तो हमेशा कभी ऊपर वाला नीचे वाले को चैलेंज नहीं करता, सिर्फ नीचे वाला जस्ट अपने ऊपर वाले को चैलेंज करेगा. और नीचे वाला कभी जंप करके चैलेंज नहीं कर सकता, एफ डी को चैलेंज नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ऊपर ई है. ई कहेगा पहले मुझसे खेल, ऊपर कहां जा रहा है. तो इसमें जंप भी नहीं करना होता, सिर्फ जस्ट नीचे वाला जस्ट अपने ऊपर वाले को चैलेंज करेगा. इसीलिए इसे कहते हैं चैलेंज टूर्नामेंट. नेक्स्ट टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रा मोरल. फर्स्ट हेडिंग है इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय कंपीटिंग एट इंटर स्कूल इंटर कॉलेज लेवल. प्लेयर गेट टू लर्न मोर टैक्टिस एंड टेक्निक. दिस इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एज वेल एज स्टैंडर्ड. इसमें क्या होता है, जब एक्स्ट्रा मोरल होता है तो हम दूसरी जगह खेलने के लिए जाते हैं. लाइक जैसे इंटर स्कूल, दूसरे स्कूल में कोई मैच है, कोई कॉम्पिटिशन है, वहां खेलने के लिए जाते हैं. वहां क्या होता है, अलग अलग एक न्यू रूल्स न्यू टेक्निक्स यूज करते हैं प्लेयर्स. तो हम जो बच्चे जाते हैं वो उनकी टेक्निक्स या टैक्टिक्स को सीख सकते हैं. सेकेंड है प्रोवाइड एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू स्टूडेंट. इट गिव्स डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू प्लेयर. दिस एड्स टू देयर लर्निंग एक्सपीरियंस. एक्सपोजर होता है अपनी स्किल्स को दर्शाना, एक्सपोज करना कि बच्चा कैसा खेल रहा है, किस टेक्निक से खेल रहा है, किस टैक्टिक्स से खेल रहा है. तो उसका क्या, उसे सीखने को मिलता है जब नई जगह जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप. इट प्रमोट्स स्पोर्ट्समैनशिप अमंग पार्टिसिपेंट. इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रा मोरल कॉम्पिटिशन. जब हम स्पोर्ट्समैनशिप मिलती है, जब हम कहीं प्रमोट होते हैं, जब हम स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन खेलने के लिए जाते हैं. नेक्स्ट है प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक. प्लेयर कम टू नो अबाउट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स. दे लर्न न्यू टेक्निक्स एज वेल एज टैक्टिक्स. जब हम खेलने के लिए जाते हैं तो हमें वहां कॉम्पिटिशन जो होगा वो विद रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होगा. जैसे हम स्कूल कॉम्पिटिशन खेलते हैं या स्कूल्स में खेलते हैं, कुछ रूल्स हम फॉलोअप करते हैं, कुछ नहीं करते. पर लेकिन जब आप खेलने के लिए बाहर जाओगे तो वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से, ताकि हमें एक नॉलेज मिलेगी न्यू रूल्स. कोई अगर चेंज हुआ है किसी गेम में कोई रूल्स, तो वो हमें पता रहता है. नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम. दीज स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैव नो रिलेशन टू कॉम्पिटिशन. इसमें कोई कॉम्पिटिशन का रिलेशन नहीं होता. दीज स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैव वेरियस ऑब्जेक्टिव सच एज अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग यूनिटी हेल्थ एंड डिजीज. हेल्थ को अच्छा करना और डिजीज को दूर करना. रेजिंग फंड्स फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन. सच प्रोग्राम्स मे बी ऑर्गेनाइज फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेन ऑफ हेल्थ अमंग पीपल. सिर्फ ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है इन गेमों को. उसमें क्या करते हैं, कुछ अमाउंट हम कलेक्ट करते हैं, तो उस जो भी अमाउंट हमारे पास कलेक्ट होगा वो हम डिजीज पे या किसी चैरिटेबल मंदिर में दान दे दिया, अनाथालय में दान दे दिया, तो वह हम उस मनी को हम वहां यूटिलाइज करते हैं. इसीलिए हम ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं. जैसे फर्स्ट है इसमें स्पोर्ट्स डे. इन दिस सीरीज और चेन द स्पोर्ट्स डे इज ऑर्गेनाइज सो दैट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. स्पोर्ट्स डे जब हम कंडक्ट कराते हैं उसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है.
the various of sports activity in which physical recreational activity are included and conducted on sports day. इसमें हम recreational activity भी करा सकते हैं, physical activity कराते हैं sports day पे. Generally sports day is organized by each and every school. इसे sports day को हर एक school इसे sports day के रूप में मनाते हैं. A day is fixed for the conduct of sports day in a year. एक साल में हम इसे एक बार मनाते हैं और इसका डे हम फिक्स करते हैं. By participating in these activity, the leadership quality are developed among the student. इसमें क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है बच्चों में. द लेवल ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रंस इज ऑल्सो इंक्रीज, और इसमें हेल्थ बच्चे की इंक्रीज होती है by taking part in this activity. Second topic, health run. Health run may be organized department of health. इसे जो organize करता है वो department of health organize करता है. Sports or some social organization, it does not any kind of specific training. इसकी कोई specific training नहीं होती कि भाई particular हम health run करा रहे हैं तो उसकी हमें कोई special training देनी है. These are run organized to improve public health standard. इससे जो public है, जो pupil है, उनकी health improve होती है. Participant registration is done in advance. इसमें हम क्या करते हैं, registration advance में कर लेते हैं. There is no elements of competition. इसमें कोई competition का elements नहीं होता. Even the date, time and running track are fixed well in advance. इसमें हम सबसे पहले running track, date, time हम इसमें fix कर देते हैं पहले से. There is a no age bar in health. इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती. बच्चे भी रन कर सकते हैं, एडल्ट भी कर सकते हैं, टीन एजर भी कर सकते हैं. क्योंकि उसमें जो भी हम फी कलेक्शन करते हैं वो हम गरीबों की हेल्प के लिए करते हैं या किसी बीमारी पर लगा देते हैं. नेक्स्ट है रन फॉर फन. द रन फॉर फन इज ऑर्गेनाइज विद ऑब्जेक्टिव एंड गिव द मैसेज ऑफ हेल्दी लिव. ये एक रन फॉर फन होता है कि एक हेल्दी लिविंग का मैसेज देता है. सच रन आर मोर फन एंड एंजॉयमेंट, और इसमें एंजॉयमेंट भी होता है. इट इज ए फ्रेंडली रेस. ये एक फ्रेंडली रेस होती है. इसमें कोई वो नहीं होता कि कौन पहले पहुंचे या कौन बाद में. इट कैन बी जस्ट रोड रनिंग और सिंपल क्रॉस कंट्री रेसेस, और ये क्रॉस कंट्री रेसेस भी होती है जिसे कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस. लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस की जो होती है डिस्टेंस, जैसे क्रॉस कंट्री रेसेस की होती है 42.195 किलोमीटर. बाई सच रन पीपल कैन बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म एक्सरसाइज रेगुलरली इन ऑर्डर टू फिजिकली फिटनेस. जब हम इसे एक्टिविटी को करेंगे या परफॉर्म करेंगे तो हमारी फिजिकली फिटनेस हम रहेंगे. एनी इंटरेस्टेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्सर सच एज इन्वॉल्व टीनेजर एंड एडल्ट. इसमें छोटे बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं.